हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल चंचल टेक में। तो आज हम स्क्रैच को डाउनलोड और इंस्टॉल करना सीखेंगे, ठीक है। विंडोज आपका, अगर विंडोज 11 है, विंडोज 10 है, विंडोज 7 है, तब भी आप कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो चलो, आपको देखो ये स्टेप फॉलो करना है यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ स्टेप वन, आपको ओपन गूगल क्रोम, टाइप ऑन सर्च ऑप्शन स्क्रैच ऑफलाइन एडिटर लेटेस्ट वर्जन ऑन पॉड पीसी, ये लिख के आपको सर्च करना है, ठीक है। और स्टेप टू, वीडियो को आगे तक देखिए, ठीक है। तो आपको पहले स्क्रैच ऑफलाइन एडिटर लेटेस्ट वर्जन फॉर पीसी इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। अगर आपको सीधा उस पेज पे जाना है तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे लिंक डाल के वहां पर रखूंगा, ठीक है। तो आपको पहले क्रोम ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, सिंपली आपको एंटर कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप एंटर करोगे तो इसके बाद आपको थोड़ा नीचे आना है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये जो साइट है, स्क्रैच ऑफलाइन एडिटर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पर जो साइट है, ठीक है, जो ऑफिशियल साइट है, यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। फिर आपको थोड़ा नीचे आना है, ठीक है। चूज योर ओएस, आपको विंडोज सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, विंडोज सेलेक्ट कर लेना है। और इंस्टॉल द स्क्रैच ऐप फॉर विंडोज, गेट द स्क्रैच ऑफ माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, या तो फिर डायरेक्ट डाउनलोड यहाँ से हम करेंगे, ठीक है। तो हम डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड करेंगे, ठीक है। स्टेप दिया हुआ है, देखो, गेट द स्क्रैच ऐप फॉर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, रन द एग्जे फाइल। तो यहाँ पर डायरेक्ट डाउनलोड यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ तो डाउनलोड होना शुरू हो गया, ठीक है। तो देखो स्क्रैच 3.29.1 सेटअप डॉट exe, ये एकदम लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। तो ये मेरा विंडोज 11 है, विंडोज 11 पे हम इंस्टॉल करने जा रहा है, ठीक है। तो ये 161 MB का है, ठीक है, पूरा साइज आप देख ही सकते हैं। बस इसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है 3 डॉट शो इन फोल्डर, देन आप लोगों को यहाँ पर राइट क्लिक करना है, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद शो मोर ऑप्शंस, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर क्लिक करना है, यस पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने देखो दो ऑप्शन आएगा, एनीवन हु यूजेस दिस कंप्यूटर, ऑल यूजर्स, और एक ओनली फॉर मी। तो हम यहाँ पर एनीवन हु यूजेस दिस कंप्यूटर, ऑल यूजर्स यहाँ पर टिक करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोगों को करना क्या है, इंस्टॉल, इंस्टॉल पे क्लिक करना है, ठीक है। तो इंस्टॉल हो रहा है ये, प्लीज वेट वाइल स्क्रैच 3 इज बीइंग इंस्टॉल्ड, कंप्लीटिंग स्क्रैच 3 सेटअप, फिर रन स्क्रैच 3। तो हमें करना क्या है, फिनिश यहाँ पर क्लिक करना है, और स्क्रैच 3 ये कंप्लीटली हमारा डाउनलोड और इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। फिनिश पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर शेयर माई यूजर्स डेटा, तो हम सेकेंड वाला डू नॉट शेयर माई यूजर्स डेटा विद द स्क्रैच टीम यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर क्लोज पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं कितने आसानी से हम लोग यहाँ पर डाउनलोड और इंस्टॉल किया है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ऐप विंडोज पे क्लिक करोगे, फिर ऑल एप्स यहाँ पर देखो डिसेंड स्क्रैच 3, ऑल एप्स पे अगर जाओगे, अगर आपका विंडोज 11 है, तो फिर यहाँ पर जो स्क्रैच, हाँ ये स्क्रैच, स्क्रैच पे क्लिक करना है, तो फिर ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।